कृपया बिल्कुल शांत बनाए रखें और बैठे रहें। देखो देखो कौन आया, आप ही बताएं। नीचे आए बोल नहीं से हमारे बीच में, आपके बीच में हमारे भंवर दादा बीच में मंच का उद्घाटन विधिवत नहीं हुआ है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपके बीच में। और यहीं से हाँ बिल्कुल हेलो हेलो, डीजे बंद करो ना डीजे। सब भाइयों को जय जोहार, आपकी जय, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। साथियों, आज मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में आदिवासी एकता परिषद का 28वां कार्यक्रम हम सब यहां पर आए और बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। इस बीच में बहुत सारी पिछले दिनों बीमारी के कारण कुछ समस्याएं आई, उन समस्याओं को देखते हुए हमारे सामने कुछ दिक्कतें हैं, इनका भी हमें ख्याल रखना है। और अभी अपना मंच का उद्घाटन बाकी है, इस वजह से अपन जो कार्यक्रम है वह थोड़ा सावधानी और नीति नियम के अनुसार ही अपनी बात रखेंगे। पानी का तो दोस्तों, आदिवासी समाज की जब भी बात आती है, पिछले 28 साल से हमारे वडील लोगों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, समाज के बड़े कार्यकर्ताओं ने मिल करके आदिवासी एकता का जो मिशन रखा, पूरे आदिवासी समाज को एक करने का जो मिशन रखा, उसके तहत पिछले 28 साल में जितने भी हमारे कार्यकर्ताओं ने, अनेकों कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, उस सब के लिए सबसे पहले आप लोग ताली बजा करके अभिनंदन करिए मेरे भाई। दोस्तों, ये जो आदिवासियों का मजमा लगा है वो एक दो लोगों की मेहनत नहीं है, ये लाखों हजारों लोगों की मेहनत का परिणाम है कि आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। भाइयों, जब भी आदिवासी की बात आती है, आदिवासी समाज आज की तारीख में समस्याग्रस्त समाज है, ये बात हमको अच्छे तरीके समझनी होगी। आज की तारीख में आदिवासी समाज समस्याग्रस्त है, और सबसे बड़ी समस्या क्या है इसका हमें पहचान करना होगा, आइडेंटिफिकेशन करना होगा। तो आदिवासियों की पिछले 70 साल की समस्या क्या है, उस समस्या के बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या मेरी नजर में है वह है निर्णय लेने की क्षमता का अभाव। सबसे बड़ी समस्या निर्णय लेने की क्षमता का अभाव है। तो मैंने बताया कि पिछले 70 साल में निर्णय लेने की क्षमता
व्यवस्था का अभाव है वह समस्या है, तो क्या यह समस्या पहले यानी देश आजाद होने से पहले थी या नहीं थी, इस पर भी हमें सोचना समझना होगा। आज यदि हम लोग देखते हैं आदिवासी समाज का एकता का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले समस्या क्या आती है, सबसे पहले कोई सामाजिक कार्यकर्ता यदि समाज का जागरण करता है, समाज को जोड़ने का प्रयास करता है तो उसको रोकने के लिए सबसे पहले कौन आएगा, कौन आएगा? आदिवासी ही रोकने के लिए सामने आता है। ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके समझना होगा। जब भी आदिवासी समाज का जागरण करते हो तो आदिवासी ही सबसे पहले हमारे सामने आता है। यह बात 1950 से पहले नहीं थी। यह आदिवासियों का पिछले 70 साल में एक समस्या पैदा हुआ है, जो 70 साल से पहले यह समस्या नहीं थी। जब भी आदिवासियों का कोई जन जागरण होता था, जन आंदोलन होता था, तो आदिवासी को रोकने के लिए सामने आदिवासी नहीं आता था। यह 70 साल में एक नई समस्या हमारे सामने पैदा हुई है। इस समस्या का क्या समाधान करना है उसके बारे में हमको सोचने की आवश्यकता है। तो मैंने जैसे बताया हमारा समाज की सबसे नंबर वन कोई समस्या है तो वह निर्णय लेने की क्षमता का अभाव है। साथियों थोड़ा पानी देना। अब इसके बारे में हमको अच्छे तरीके समझना होगा। यही बात मैं सबसे अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहता हूं कि निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होने की वजह से क्या समस्या पैदा होती है। हम लोगों ने देखा है कोई समाज निर्णय लेने की क्षमता उसमें डेवलपमेंट क्यों नहीं होती है, यही एक बात मैं अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहता हूं। मेरे देश का पूरे भारत का आदिवासी समाज यहां मौजूद है, उसके सामने ये बहुत बड़ी ग्रेट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का हमें अच्छे तरीके समझना होगा। जो कौम भ्रमित होती है यानी भ्रम से ग्रस्त होती है, भ्रम से ग्रस्त होने का मतलब है निर्णय लेने का अभाव। कोई चीज किसी व्यक्ति को क्लियर नहीं होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये बात किसी इंसान को क्लियर नहीं होती है तो वो स्थिर हो जाता है। किसी व्यक्ति को क्या सही है और क्या गलत है वो क्लियर नहीं होता है तो व्यक्ति स्थिर हो जाता है, और स्थिर होने की वजह से ना तो इधर के बारे में सोच पाता है ना इधर के बारे में सोच पाता है। यह आज आदिवासियों की प्रॉब्लम है। इसकी वजह से वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है। जब वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता है तब वह दूसरों के द्वारा लिए गए निर्णय को मानता है। वो स्वयं निर्णय नहीं ले पाता, जो दूसरे लोग निर्णय लेते हैं वो मानता है, और इसी वजह से न तो हम राजनीतिक रूप से सफल हुए, न धार्मिक रूप से सफल हुए, न सांगठनिक रूप से सफल हुए, न ही हम लोग हमारे भौगोलिक एरिया जहां हमारी संख्या 70-80% है वहां पर भी हम लोग सफल नहीं हुए। आप लोग नर्मदा जिले की बात देख सकते हो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 70-80% प्रजा हमारी है, इसके बावजूद भी हम लोग निर्णय लेने में सक्षम नहीं हुए, इसकी वजह से आज हमारे सामने प्रॉब्लम हुआ। मानगढ़ का उदाहरण देख लीजिए। मानगढ़ एक ऐतिहासिक स्थान है और उस ऐतिहासिक स्थान को आज की तारीख में धार्मिक प्लेस के रूप में डेवलपमेंट किया जा रहा है। ऐतिहासिक स्थान वो हमारे महापुरुषों का
ऐतिहासिक स्थल है उसको धार्मिक स्थल के रूप में डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसका परिणाम हमारे लिए सुखद नहीं होगा। यह है परिणाम जिसकी वजह से हम लोगों को निर्णय लेने लायक बनना होगा। और आप लोग निर्णय लेने लायक बनना चाहते हैं तो आप लोगों को भ्रम से बाहर निकलना होगा। हमारे समाज को भ्रम से ग्रसित रखने के लिए पॉलिटिकल लोग भी काम करते हैं, धार्मिक लोग भी काम करते हैं। यहाँ पर पाबंदी है मेरे लिए बोलने का, क्या कि पॉलिटिक्स पर नहीं बोलना है और धर्म पर नहीं बोलना है, लेकिन दो बड़ी बीमारियों पर ही नहीं बोलना है तो किस पर बोला जाए। हमारे डूंगरपुर जिले में आदिवासियों को रोकने के लिए हमको एक आदिवासी की जरूरत थी। हम लोग डूंगरपुर जिले का जिला परिषद का बोर्ड बना सकते थे और दोनों पार्टियों के दलाल लोग एक हो गए और आदिवासी असली आदिवासियों को हराया। यह भारत देश के इतिहास में पहली बार होने वाला था कि पूरा का पूरा बोर्ड आदिवासियों का बनने वाला था। इतनी बड़ी बात इन लोगों ने रोका, ये कितनी बड़ी बात है। यदि वो लोग जो दोनों पार्टियों में ये आदिवासी थे वो निर्णय लेने लायक होते तो आदिवासियों का बोर्ड बनता। और गंभीर बात, जैसे जैसे आदिवासी एक होगा, आदिवासियों की पूजा पद्धति, आदिवासियों की विवाह पद्धति, आदिवासियों का सांस्कृतिक एकीकरण होगा तो तीन धर्म के लोग भी एक दिन एक हो जाएंगे। ये याद रखना, तीन धर्म के लोग वो भी एक तरफ होंगे और आदिवासी एक तरफ होगा, लेकिन आदिवासियों का सांस्कृतिक और धार्मिक एकीकरण भी कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन मेरे भाइयों, हम लोगों को दिल खोल करके हम लोगों को समाज के लिए बोलने की हिम्मत डेवलपमेंट करना होगा। मेरे जैसा आदमी, बीमार आदमी, बड़े जोश से और सत्य बोलने की हिम्मत करता है तो आप लोग भी सत्य बोलने की हिम्मत करते हैं तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन मेरे भाइयों, आत्मविश्वास विकसित करिए और सच बोलने की हिमाकत करिए, आप लोग हर हाल में जीतेंगे। हम लोगों ने देखा यहीं पर झाबुआ में दिलीप सिंह जी भूरिया, उन्होंने एक सपना देखा था कि हम आदिवासियों का एक राज्य होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये मैंने नहीं कहा, हमारे बड़े बड़े लोग कह के गए हैं। लेकिन जब भी इसके बारे में भी आप बात करोगे तो मैंने पहले ही बताया है, हमको रोकने के लिए आदिवासी ही सामने आएगा। ये पिछले 70 साल में एक नया डेवलपमेंट हुआ है कि एससी समाज का आदमी यदि एससी समाज का जागरण करता है तो उसको रोकने के लिए एससी ही आता है। ओबीसी समाज का आदमी ओबीसी को जोड़ने का प्रयास करता है, ओबीसी ही सामने आता है। और मुस्लिम समाज भी एक करने का प्रयास करता है, उसको रोकने के लिए मुस्लिम भी आता है। ये तीन उदाहरण आपके सामने मैंने इसलिए लिए हैं। ये जो स्टेज पे जितने भी लोग बैठे हैं, जरा नीचे उतर जाइए, इधर भी, ये बैनर के ऊपर से चल के जा रहे हैं, ये गलत चीज है। आप लोग नीचे उतर जाइए और स्टेज पे कोई नहीं आएगा। ये हमारा महासम्मेलन का बैनर लग रहा है और उसके ऊपर पैर रख के लोग जा रहे हैं बूट पहन के। सब साथी नीचे उतर जाइए प्लीज। अरे भाई, ये भी अगत्य का काम है ना, जरा सुनने दे, ऐसा क्यों बोल, क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? बैठिए, आप यहाँ बैठिए प्लीज। अनुशासन बनाए रखोगे जी सर? चालू रखिए भाइयों, उद्घाटन बाकी है तो हमारा बैनर का भी सम्मान करना होगा। ये हमारी थीम है, उस थीम पूरे आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए इसका सम्मान हमको करना चाहिए।
तो मैं बता रहा था कि आदिवासियों की समस्याएं मूल मूल क्या है, तो एक मैंने